है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसे आप लोग 10,000 के अंदर परचेस कर पाओगी। और दोस्तों, आप लोग भी 10,000 के अंदर एक बढ़िया सा 5G स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो तो मेरा ये वीडियो को आखिर तक देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जितना भी 5G स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा वो सारा स्मार्टफोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा कैमरा दिया गया है, बड़ा बैटरी का सपोर्ट और बाकी सब स्पेसिफिकेशन टॉप नॉइज लेवल का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है Realme C65 5G। 10,000 के अंदर Realme की तरफ से प्रीमियम डिजाइन के साथ आने वाला एक पावरफुल लेवल का स्मार्टफोन जो है, तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz को, 500 nitpick brightness मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात की है तो MediaTek की तरफ से Dimensity 6300 का चिपसेट मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 430,000 के ऊपर एंड्रॉइड फोन निकल जाता है, LPDDR4X UFS 2.2 चॉइस टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में प्राइस के अकॉर्डिंग पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की है, जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 2 megapixel का डेप्थ और 8 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 15W चार्जिंग। तो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। रियलमी UI पे बेस्ड है। स्मार्टफोन में IP54 का वाटर एंड डस्ट रेटिंग दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइनेबिलिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन का प्राइस तो आती है, जो 4GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगा 10,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है Vivo T3 Lite। 10,000 के अंदर Vivo की तरफ से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.56 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 90Hz को, 840 nitpick brightness मिल जाता है, IP64 का वाटर एंड डस्ट रेटिंग दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस का बात की है, जो MediaTek की तरफ से Dimensity 6300 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल करता है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है, 8 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्राइस के अकॉर्डिंग गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की है, जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी AI सेंसर के साथ, 2 megapixel का डेप्थ और 8 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। और 5000mAh की बैटरी मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 15W चार्जिंग। तो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, फैंटाजी ओएस पे बेस्ड है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइनेबिलिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन का प्राइस की बात की है, तो 4GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगा 10,000 के अंदर मिल जाएगा, और 6GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगा 10,499 rupees में मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Redmi 12 5G। Redmi के तरफ से एक पावरफुल लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 90Hz रिफ्रेश रेट को, 550 nitpick brightness, Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात किया है, जो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8 Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है, जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 450,000 के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर 7 5G का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया है, तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा, 2 megapixel का डेप्थ और 8 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 18W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, MIUI पे बेस्ड है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। और स्मार्टफोन का प्राइस के बाद क्या, 6GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगे 10,499 rupees में मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है Motorola G45। 10,000 के अंदर Motorola की तरफ से स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड क्लीन UI एक्सपीरियंस के साथ आने वाला एक पावरफुल लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Motorola G45 पे तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 580 nitpick brightness का सपोर्ट मिल जाता है, उसके साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। फुल HD प्लस डिस्प्ले होता तो बहुत ही अच्छा होता। और परफॉर्मेंस का बात किया है, तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 6S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 440,000 के करीब एंड्रॉइड स्कोर निकल करता है, 13 5G का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया है, तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो
और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। हान एंड रेयर दोनों ही कैमरा से 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा दिया गया है और 5000 mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सफर करता है 20 वाट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, माई यूएक्स पे बेस्ट है और डॉल्बी एटमॉस की तरफ से स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 11,000 में मिलेगा, डिस्काउंट लगाकर 10,000 के अंदर मिल जाएगा और 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 12,000 में मिल जाएगा। नंबर वन पे आता है पोको M6 प्लस 12,000 के आसपास। पोको की तरफ से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली पोको M6 प्लस की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को 550x240Hz का टास्क सेविंग रेट दिया गया है और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का एक्सेलरेटेड एडिशन प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ट है। 7 5G का सपोर्ट दिया गया है। 4,70,000 के ऊपर एंड्रॉइड स्टोर निकल के आता है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज से मिल जाता है। प्राइस के अकॉर्डिंग पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया जो पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 108 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 2 MP का मैक्रो, 13 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है और 5030mAh की बैटरी मिल जाता है जो सपोर्ट करता है 33 वाट फास्ट चार्जिंग। तो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, हाई पावर ओएस पे बेस्ट है। 2 साल का ओएस अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन में IP53 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का पीछे ग्लास का यूज किया गया है। स्मार्टफोन का ऊपर लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। 6GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगे 10,499 रुपीज में मिल जाएगा।